बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के कुछ लक्षण, उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका बर्ताव देख के हमको ऐसा लगता है कि कुछ तो भी मिसिंग है, कुछ तो भी गड़बड़ है, मगर हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते। लगता है कुछ तो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इनको होगा, कोई बीमारी ऐसा हमको लगता नहीं है। मतलब कोई बीमार नहीं, कोई पागल नहीं है, या कोई उनको साइकेट्री इलनेस नहीं है, मगर कुछ तो भी तो गड़बड़ है ऐसा हमको लगता है। तो फिर ऐसे कौन से ट्रेट्स या ऐसे कौन से लक्षण हैं, तो वो हम देखते हैं वो 10 लक्षण कौन से हो सकते हैं। नंबर एक, ये लोग जो होते हैं वो उनको लैक ऑफ एम्पथी होती है। लैक ऑफ एम्पथी, इसका मतलब कि उनको लोगों के साथ में वो भावनाओं से जुड़ नहीं सकते। एम्पथी मतलब आपको जैसा लगता वैसे मुझे लगना चाहिए, आपको दुख हो रहा तो मुझे भी दुख होना चाहिए, इस तरह का एम्पथी। तो आपकी जो भावना है वही भावना मुझे लगना चाहिए, ये लोगों में रहती नहीं है। नंबर दो, ये लोग मैनिपुलेटिव रहते हैं। मैनिपुलेटिव मतलब अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल कर लेना, लोगों का उपयोग कर लेना, गलत उपयोग कर लेना कभी कभी, अपना फायदा, फिर उसका नुकसान होते भी चलता है। तो ये लोग मैनिपुलेटिव रहते हैं। नंबर तीन, ये लोग इरिस्पॉन्सिबल रहते हैं। इरिस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार, जिम्मेवारी लेने की उनकी इच्छा रहती ही नहीं है, कभी जिम्मेदारी लेंगे ही नहीं, हरदम लोगों को दोष देंगे, लोगों को दोषण देते जाएंगे और खुद बोलेंगे तो मैं तो ठीक हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। तो गैर जिम्मेदारी। नंबर चार, ये लोग नार्सिसिस्टिक रहते हैं। नार्सिसिस्टिक इसका मतलब ऐसा है कि मतलब लोगों को दुख देके खुद को खुशी लगना। लोगों को दुख हुआ तो चलता है और मुझे उसमें खुशी आती, लोगों को पेन हुआ तो मुझे, दर्द हुआ तो मुझे अच्छा लगता है, आनंद लगता है, नार्सिसिज्म। नंबर पांच, ये लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। जब मालूम है कि झूठ पकड़ा जाएगा तभी भी झूठ बोलेंगे, मतलब इनको जैसा झूठ का एडिक्शन है। थोड़ा बहुत झूठ तो सभी लोग बोलते रहते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलेंगे, जब मालूम है कि पकड़े जाएंगे तभी भी करेंगे। नंबर छह, ये लोग बहुत चार्मिंग रहेंगे, मतलब उनका रहन सहन, उनका इम्प्रेस करना लोगों को, रहना मतलब स्टाइलिश रहना, ऐसा बहुत चार्मिंग तरह से लोग रहेंगे कि एकदम सबके ऊपर एकदम पहले इम्प्रेशन डाल देंगे। नंबर सात, इनको कभी अपराध बोध की भावना आएंगी नहीं। अपराध बोध की भावना आएंगी नहीं, इसका मतलब ऐसा है कि उनको कोई ऐसा गिल्ट फीलिंग लगता नहीं किसके बारे में, या ऐसा कोई लगता नहीं कि मैंने गलती किया, उसके बारे में अपने को अच्छा नहीं लगना, ऐसा कभी उनको लगता नहीं। आठ, ये लोग जल्दी बोर हो जाते हैं, उनको हरदम कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन लगता है, एक्साइटमेंट लगता है, और कुछ ऐसा नहीं रहा तो बोर हो जाते हैं, और फिर उसके लिए फिर वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, एक्साइटमेंट आएगा, है ना, कुछ तो भी एक्साइटमेंट आएगा, ऐसी कृति करना, क्योंकि ये बोर्डम, अकेलापन ये सहन ही नहीं कर सकते। नौ, ये लोग बुलिंग करेंगे। बुली करना, इसका मतलब यह है कि लोगों को तकलीफ देना, उसमें खुशी पाना, लोगों की हंसी मजाक उड़ाना, बुलिंग करना, कॉर्नरिंग करना और उसमें मजा आना। नंबर दस, वो पावर के पीछे लगते कि कुछ ना कुछ तरह से मुझे पावर होना चाहिए, मैं सरकमस्टेंसेस के ऊपर कंट्रोल करूं, लोगों के ऊपर कंट्रोल करूं, तो वो पावर के पीछे रहते हैं कि कुछ ना कुछ करके मैं सिचुएशन कंट्रोल में लाऊं, लोगों को कंट्रोल में लाऊं, लोगों के ऊपर हावी हो जाऊं, इस तरह का वो करते हैं। तो ये जो लक्षण है, ये हो सकते हैं कि ये बॉर्डरलाइन के हो, कभी कभी एंटी सोशल के हो सकते हैं लक्षण, है कभी पैथोलॉजिकल पर्सनैलिटी है, या साइकोपैथ होते हैं उनके लक्षण हो सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग पर्सनैलिटी के ये कॉमन लक्षण है, ऐसा कोई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया करके ये नहीं है। ये लक्षण नॉर्मल लोगों में भी पाए जा सकते हैं। तो ये बॉर्डरलाइन भी पर्सनैलिटी हो सकते हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, एंटी सोशल भी हो सकते हैं, साइकोपैथ के भी लक्षण हो सकते हैं, जिससे कि अपने को ऐसा लगता है कि नहीं, इनमें कुछ तो भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है पॉइंट नहीं कर सकते, बीमारी तो है नहीं, मगर इनके साथ में अपने को एडजस्ट करना कठिन हो जाता, ये एक प्रॉब्लम क्रिएटिंग पर्सन हो जाते अपने आसपास रहे तो। तो देखिए, ऐसे कुछ लोग रहे तो इनसे बच के रहना है, और फिर उनके लिए आप स्टैंड ले सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये लोग है ना सफर करते रहते हैं। जब वे लोग अकेले रहते हैं तो उनको बहुत दुख हो जाता है, उनको लगता है कि भाई उनको एक सेटिस्फेक्शन का फीलिंग, पीस ऑफ माइंड, मतलब मन की शांति होना या आत्म अभिव्यक्त होना, ऐसा इनका होता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली दे सफर, उनका जो सफरिंग है वो आपको हल्का करना है, उनके लिए स्टैंड लेना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि लोग इसके बारे में सजग हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।